पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर विपक्ष के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का दावा है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कांग्रेस ने हरीश रावत के साथ खड़े रहने और पूरे उत्तराखंड में आंदोलन करने का ऐलान भी किया। वहीं बीजेपी ने सीबीआई की कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया। तीन साल बाद आज बीजेपी की सरकार के दबाव में सीबीआई मुकदमा कर रही है, पूरा देश देख रहा है। ये नंगा नाच पूरा देश देख रहा है। जो नंगा नाच हो रहा है ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने की साजिश है। देश में अघोषित आपातकाल लग चुका है। पूरी कांग्रेस पार्टी हरीश रावत के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, हिमालय की तरह खड़ी है। उनकी इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमें जहां आवश्यकता पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे और पार्टी पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन भी इस मामले में करेगी। श्री हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। मैं कानून अपना काम कर रहा है और सीबीआई ने जो एफआईआर लॉन्च की है वो कानून की प्रक्रिया का अंग है। ये मामला पूरा माननीय उच्च न्यायालय के देख रेख में चल रहा है, तो जो कानून सम्मत है वो कदम सीबीआई ने उठाया है।